तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिर से एक और बार स्क्रैच 3 पर कोडिंग कर एक गेम बनाने वाले हैं। और आज का हमारा जो गेम है वो मेज गेम होने वाला है। मतलब आज हम एक मेज, मतलब जो भूल भुलैया हम हिंदी में उसे कहते हैं, बनाएंगे, जिसमें हमारा जो प्लेयर होगा, मतलब हमारी स्प्राइट होगी, वो घूम घूम कर जाएगी और रास्ता ढूंढना होगा। मतलब अभी मैं इजी मेज बनाऊंगा आज, थोड़ी सी आप डिफ़िकल्ट भी बना सकते हैं। हम धीरे धीरे करके और डिफ़िकल्ट बनाएंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्प्राइट बनाएंगे, जो कि हमारी मेज होगी। एक फिल कर देते हैं हम यहाँ पर वाइट, और सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। इधर चलिए, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। हाँ, इसी स्प्राइट पर रहते हैं हम। यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे, फिर हम यहाँ पर लाइन, कुछ भी, मतलब हमें ऐसा कर देना जिससे रास्ता बन जाए पर अच्छा लगे गेम। थोड़ा फटाफट बना रहा हूँ मैं, फास्ट। आप वीडियो को पॉज करके भी, जब पूरी एक बार बन जाए मेज तब आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर, बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो स्प्राइट होगा वो यहाँ पे खड़ा होगा और उसे मेज क्रॉस करके यहाँ पर जाना है। अभी मेज पूरी बनी नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट से बनाते हैं इसे। यहाँ पे भी कुछ बना देते हैं, कुछ भी जगह पर, ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए बस। तो अब यहाँ पर भी हम एक लाइन, ये ऐसे इसे कनेक्ट कर देंगे इस लाइन को, और यहाँ यहाँ, ओके, इससे बिल्कुल इससे ही बना देते हैं हम टिप से। तो चलिए गाइस, आई थिंक इतनी मेज काफ़ी है। थोड़ी बहुत हम कुछ और भी ड्राइंग कर देते हैं यहाँ पर। थोड़ी रेडी बन गई लाइन, बाहर चली गई थी बॉक्स से। बस अभी होगा क्या, हमारा स्प्राइट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से घूमकर जाएगा, यहाँ से जाते हुए उसे यहाँ पर जाके अपना जो है वो करना है, प्राइस कलेक्ट करना है। तो अब हम इसमें एक और स्प्राइट डालेंगे, वो स्प्राइट होगा हमारा वो कैरेक्टर जिसे हमें घुमाना है। तो वो कैरेक्टर मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट करने वाला हूँ, आप भी अपनी मर्ज़ी से ही ले सकते हैं या फिर जो मैं ले रहा हूँ वो ले सकते हैं। मैं तो कैट ही लूँगा यहाँ पर, और इसका साइज़ काफ़ी छोटा कर देना है मुझे, ताकि ये इसकी पतली पतली जगहों से निकल सके। चेंज साइज़ बाय -90, मैं -90 करूँगा। सॉरी, मैंने ज़्यादा ही छोटा कर दिया तो चींटी बन गई, कोई बात नहीं, +20 कर देंगे, मतलब 20। अब ये शायद यहाँ से निकल सकती है, और गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट, कहाँ गई कैट। यहाँ पे चल, तो उधर ही चल, इस तरह से यहाँ पर
बड़े ध्यान से करना है मुझे, इसे हिलाना नहीं है ज़्यादा, नहीं तो बार बार यही प्रॉब्लम होता रहेगा। कैट भी रेडी है, देखते हैं कि इसे निकल पाता है कि नहीं। अभी मैं कर्सर से निकाल रहा हूँ गाइस, मेरे हिसाब से कैट को भी और थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं -5 डाल देता हूँ, बस इतना काफ़ी रहेगा शायद। यहाँ से होते हुए जाना है, कैट को छोड़ते हैं, यहाँ पर कुछ और ही कैरेक्टर ले लेते हैं। बॉल लें, नहीं कोई बढ़िया सा कैरेक्टर मुझे लेना है। डायनासोर, फ्लाइंग डायनासोर, नहीं। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करा है कि मैं कुछ ऐसा लूँ जिसमें थोड़ा फैंटसी सा हो, तो हम फैंटसी में ही जाकर ढूंढते हैं। यहाँ पर क्या लूँ, पोशन, लेटर्स, फैशन सा, फूड। तो यहाँ पर मैं भी डिसाइड करा है कि हम बॉल ही ले लेते हैं। बॉल यहाँ पे मैंने बॉल को ले लिया। बॉल का हम साइज़ कम कर देते हैं, सबसे पहले तो -75 ही कर देते हैं, -75। ये एक तो वाइट कलर का है इसलिए दिख भी नहीं रहा, इसका कलर चेंज कर देते हैं, हल्का ब्लू हो गया, ठीक है। इसका साइज़ फिर थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं, 10 बढ़ा देते हैं बस। अब ये निकल जाएगा मेरे हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर लिया है इसे। आप चाहें तो किसी भी और स्प्राइट को ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे इवेंट्स पे, और यहाँ से 4 वेन स्पेस की प्रेस वाले ब्लॉक्स उठा लेंगे, और इसमें मैं कर दूंगा वेन अप एरो की, वेन डाउन एरो की, वेन राइट एरो की, एंड वेन लेफ्ट एरो की, ठीक है, की प्रेस्ड। तो इसे हम हटा देते हैं अभी। अब मैं मोशन पे जाऊंगा और चेंज x/10 पे एक बार क्लिक करता हूँ, कितना एक होता है इधर, ठीक है। तो ठीक है, चेंज x/10, तो वेन राइट एरो की प्रेस्ड चेंज x/10, वेन लेफ्ट एरो की प्रेस्ड चेंज x/-10, ठीक है। अब वैसे ही हम सेम अप एरो की का भी करेंगे, चेंज y, वेन अप एरो की प्रेस चेंज y/10, एंड वेन डाउन एरो की, वेन डाउन एरो की प्रेस चेंज y/-10, ठीक है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ से इसे निकाल पाएंगे या नहीं। इसे आसान सा ही गेम है, आसानी से बन भी जाएगा, बस ये आपको एंटरटेनमेंट के लिए है। बस चेक कर लेते हैं, निकल सकता है यहाँ से या नहीं। इसको हल्का सा ब्रॉड करना हमें थोड़ा पता करना पड़ेगा। वेन लेफ्ट एरो की प्रेस चेंज बाय, तो हम इसे -5 कर देते हैं, इससे 5 कर देते हैं, इससे भी -5 कर देंगे, और इसे भी 5 कर देंगे। अब हम अब एक बार चेक करते हैं, हाँ अब होगा ना। चलो 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 चलो, और ये इस तरह से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब मैं इस बॉल को उठा के फटाफट से वापस ले जाता हूँ, उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा इवेंट्स, नहीं, इफ टचिंग टू स्प्राइट टू, एक मिनट, सबसे पहले वेन क्लिक टू, वेन क्लिक Forever हम लिखवाएंगे, इफ टचिंग स्प्राइट टू देन, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है हम, स्टॉप अदर स्क्रिप्ट इन द स्प्राइट एंड
था स्टॉप ऑफ द सिचुएशन द स्प्राइट एंड प्ले साउंड पॉप है, देखो मैं सुनाता हूँ आपको। तो बस इतना ही था गेम हमारा, अब शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर दी हमने। हाँ ओके समझ गया, तो ये भी ये स्प्राइट का हिस्सा ही है जो वाइट पोर्शन है, इसीलिए ये उसे भी वही लेगा। तो हम यहाँ पर इसे रख नहीं सकते, इसे वापस ले जाना ही पड़ेगा हमें। अब वैसे हम इसे अब खेल सकते हैं एकदम ठीक है। अब हम एक प्राइस यहाँ पर रख देते हैं, प्राइस होगा हमारा एक और बॉल, वो भी यहीं पे पड़ी होगी, वो बड़ी बॉल होगी पर थोड़ी सी इसका साइज हल्का सा कम कर देंगे। चेन साइज बाय -10। तो गाइज अब यहाँ पे मैं ये स्टोरी रखने वाला हूँ कि ये हमारी पूरी गेम होगी, जैसे हमने कैट फ्लाइंग गेम बनाई थी हमारी, उसी तरह से ये भी एक गेम होगी। पर इस गेम में हम लेवल भी रखेंगे, तो इस गेम में मतलब लेवल ये रहेगा कि जैसे ही ये वाली बॉल इस बॉल को टच करती है हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। नेक्स्ट लेवल में न्यू स्प्राइट होगी, न्यू सब मेज भी अलग अलग होगी। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इसी वीडियो में मैं वो चीज़ नहीं करने वाला हूँ, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम इसे एक लेवल टाइप गेम बना देंगे जिसमें लेवल भी बदलते हैं, अगर ये लेवल क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल हो गया तो उससे अगला लेवल। यहाँ पे बस हम एक सीधी सादी सेटिंग कर देंगे फॉरएवर वन क्लिक फॉरएवर इफ देखूं, यहाँ पे हम स्टॉप का भी ले लेंगे द स्प्राइट एंड स्टॉप अदर स्क्रिप्ट इन द स्प्राइट, और यहाँ पे हम सेंसिंग में जाकर बेसबॉल 2। तो अब ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। और अगले वीडियो में मैं ऐसी सेटिंग करूँगा कि स्टॉप होते ही नेक्स्ट बैकग्राउंड आ जाए, मतलब नेक्स्ट मेज खुल जाए, नेक्स्ट सब कुछ नेक्स्ट लेवल हो एक तरह से। तो अब हम एक बार इस लेवल को प्ले करके देखते हैं, इसे हम प्रॉपर एक गेम बना देंगे गाइज। और ये वीडियो इस प्रोजेक्ट को मैं सेशन वाइज लेने वाला हूँ, मतलब एक ही सेशन में मैं आपको सब कुछ नहीं बता दूंगा, अगले सेशन में भी हम कुछ कुछ कोडिंग करेंगे, धीरे धीरे करके इसे पूरा गेम बनाएंगे हम। चलो अब हम इसे एक बार खेल के देख लेते हैं अभी तक तो। चलो ध्यान से ले जाना, टच ना हो नीचे चलो, लेफ्ट में चलो, पर चलो बिल्कुल बीच में से निकली है, थोड़ा इसको आप मेरी तरह पतला सा मत बनाना कि कुछ कोई निकल ही ना पाए कोई चीज़, और अगर निकालनी हो तो इतनी छोटी करनी पड़ जाए कि दिखे ही ना। मैंने थोड़ा ज़्यादा पतला कर दिया रोहू को। अब नीचे राइट और ये अब ऊपर करना है, ये क्या हुआ, काम नहीं किया क्या बेसबॉल? ओके मेरे को गलती पता चल गई अपनी, मैंने ये नहीं प्रेस किया था, अब होगा। पॉप की साउंड प्ले क्यों नहीं हुई जी? चल ओके हो, मैंने पॉप साउंड प्ले करने का लगाया ही नहीं था। ये वाला नीचे चल साउंड पॉप की जगह लगा देते हैं प्ले साउंड पॉप। ये तो बहुत लंबी आवाज ही निकालने लग जाता है, स्टॉप ही नहीं करता। एक काम करते हैं प्ले साउंड पॉप को निकाल देते हैं हम यहाँ से, हम यहाँ पे लगा देते हैं एक साउंड, मतलब साउंड नहीं टेक्स्ट लगा देते हैं। रुको यहाँ पे मैं अपनी साउंड रिकॉर्ड करके लगा देता हूँ, यहाँ पे साउंड्स में कम
कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव फिनिश्ड योर लेवल. प्ले करके देखते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव फिनिश्ड योर लेवल. इसको ही लगा देते हैं हम इसमें. ठीक है, रिकॉर्डिंग वन है इसका नाम, ध्यान रखना है. साउंड प्ले साउंड स्टार्ट साउंड वन एंड. अब एक बार प्ले करके देखते हैं. Congratulations, you have finished your level. इसने ये आवाज क्यों नहीं बोली, नहीं समझ नहीं आया. इतना क्या प्रॉब्लम हो रही है. Congratulations, you have finished your level. Congratulations, you have finished your level. अच्छा वो बोल रहा है, मैं थोड़ा वेट नहीं किया. बोल. Congratulations, you have finished your level. थोड़ा मैंने गाइस रिकॉर्डिंग को लेट कर दिया था इसलिए वो थोड़ा लेट. Congratulations, you have finished your level. बस भाई बोला बंद कर दे. अभी यहाँ पे हम बस ये लगा देंगे और तू ही साइड ही हो जा. फिर से बट रखते हैं. इसके ऊपर ही बैठ जा, मिक्सअप करें. Congratulations, you have finished your level. देखो रिकॉर्डिंग आ रही है, बस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल गया. अभी इसे वापस लेकर चलते हैं यहीं पर. तो आज के सेशन में हमने सिर्फ एक नॉर्मल सी बनाई गेम, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ओवर इजी सी बनाई. अगले लेवल में हम इसे, जैसे मैंने वो अपनी पिछली वीडियो में कैट वाली गेम बनाई थी जिसको मैंने एकदम मतलब डेस्कटॉप, मतलब एक जो स्क्रीन था उसका पीछे बैकग्राउंड दिया था, गेम को आइकन बनाया था, फिर आइकन पे गेम प्ले हुई थी आइकन क्लिक करने पे, उसी टाइप का इसको भी बनाएंगे हम. और इसमें हम लेवल्स भी ऐड करेंगे, पर आज हम लेवल्स ऐड नहीं करने वाले हैं, आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी उसे देखो, मैंने नीचे बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, जल्दी से उसे देखो. वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी तो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मुझे पता है आपको अच्छी लगी होगी इसलिए लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.